नमस्कार इंडिया, कैसन हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होगे। हाँ हाँ, तुम लोग तो सब मस्त रहोगे। मेरा क्या है, तुमने मेरे चैनल का तो धज्जिया उड़ा दिया। गाइज, इतने गंदे व्यूज जिंदगी में कभी नहीं आए थे जब मैंने चैनल स्टार्टिंग किया था। मुझे लगा कोई बात नहीं, एक दो व्यूज आए इट्स ओके, कोई ज्यादा व्यूज मतलब गंदे वीडियो पे व्यूज नहीं आए। बट लिटरली तुम तो वीडियो को व्यूज ही नहीं दे रहे हो, मतलब 10, 20, 30, 35, 45, 65 ऐसे। इतने गंदे व्यूज कभी आए मेरे चैनल पे? बिल्कुल नहीं आए गाइज। तो क्या ही बोलूं तुम लोगों को भाई। और मैंने क्या क्या सोचा था कि तुमने मेरे 4000 सब्सक्राइबर इस महीने कंप्लीट करवा दोगे और 4000 वॉच टाइम्स भी कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, तुम्हें तो खुशी नहीं मिलती मेरी खुशी से। और एक बंदे ने आज कमेंट किया कि ब्रो 4000 वॉच टाइम्स कंप्लीट हो गया, मतलब उसने ये मैसेज किया था, कमेंट किया था कि ब्रो मोनेटाइज हो गया और सेलिब्रेशन वाली इमोजी भेज रहा है मेरे को। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैंने फिर उसको रिप्लाई दिया कि अभी तक तो 3000 वॉच टाइम्स भी नहीं हुआ, ये लोग व्यूज़ कहाँ लाते हैं। तो गाइज, इस पे मैं मिनिमम कम से कम 1000 से ज़्यादा व्यूज़ का टारगेट रखती हूँ। और मेरा ट्रस्ट है कि इस वीडियो में एक दिन में 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आएगा, और आएगा तो आएगा। मेरा मैनिफेस्ट है, मैं सोच रही हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मैनिफेस्ट है और सब कुछ है। ये वीडियो मेरे लाइफ का गेम चेंजर वीडियो बनेगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। एंड फाइनली गाइस, क्या ही बोले। तो हे गाइस, केम छोर और सबके स्वागत बाहमार उपसियारी के चैनल पे। दिल से स्वागत करता हूँ मैं हर एक सब्सक्राइबर्स को, हर एक व्यूवर्स को, पर तुम लोग मेरे दिल में स्वागत ही नहीं करते। मतलब मेरे चैनल का स्वागत कर दो, मतलब उसको वॉच टाइम्स बढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वो व्यूज़ बढ़ाओ, तभी तो वॉच टाइम बढ़ेगा। पर वॉच टाइम ही नहीं बढ़ रहा है ना व्यूज़ ही बढ़ रहा है, तो क्या ही बोल सकते। छोड़ो गाइज, आई नो तुमने इस वीडियो को क्यों क्लिक किया, बस कर लिया ना। और मुझे इतना ट्रस्ट है कि 1000 से ज़्यादा इस व्यूज़ पे मेरे व्यूज़ आएंगे, आई मीन वीडियो पे व्यूज़ आएंगे गाइज। तो जिस मकसद से भी इस वीडियो को क्लिक किया मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आज फिर बकचोदी करूँगा जो हमेशा करता हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीट कोड के बारे में बताऊँगा। एंड बताऊँगा गाइस कि एक दो दिन में मेरा कौन सा पेपर है और मैं अभी कैसा तैयारी चल रहा है मेरा। तो फाइनली ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा तो हर पेपर में यही होता है कि भाई अगला पेपर आएगा तो बेस्ट करेंगे, अगला पेपर आएगा तो बेस्ट करेंगे, और वो अगला पेपर आते आते पेपर ही खत्म हो चुका। तो SST में मैंने कुछ ऐसे सोचा था कि 4 दिन के मौज में एकदम मौज कर देंगे SST की, एक दिन ये एक दिन वो, एविक 60 पढ़ के सब खत्म। बट अभी तक मेरा कुछ भी नहीं, कोई भी चैप्टर मुझे नहीं आता, इसलिए फाइनली मैंने क्या किया, मेरे पास मैं देखो मैं पढ़ तो लूँ सारे चैप्टर पर दिमाग में घुसे ना, दिमाग में घुसने के बाद मुझे याद नहीं रहे। तो इसलिए मैंने क्या किया, सपोर्ट मटेरियल के लिए पीछे 3 दे रखा है सैम्पल पेपर, सॉल्व करो गाइज। उसके सारे अगर मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिए, आई एम श्योर गाइज, अगर वो सारे मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिए 2, 3, 5 नंबर वाले, तो मुझे इतना गारंटी है कि सारे क्वेश्चंस उसमें से आएगा। और उसके बाद मुझे सैम्पल पेपर देखना है कि उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे दिए। और मेरे पास प्री बोर्ड और मिड टर्म के SST के वो है पेपर्स है, तो वो भी चेक करूँगा, क्योंकि इन्हीं में से पेपर आया था जब मैंने साइंस का देखा था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो प्री बोर्ड और मिड टर्म में जो क्वेश्चन पेपर था ना, बिल्कुल वैसे ही आंसर डिट्टो आया था। और सपोर्ट मटेरियल के पीछे जो एक्सरसाइज दिए होते हैं उसी में से आया था गाइज। तो ये मेरा ट्रिक है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं चैप्टर तो पढ़ नहीं पाऊँगा, और 20 चैप्टर कम नहीं होते एक दिन एक रात में, तो यही तरीका है। तो अभी बकचोदी कर रहा हूँ, एंड फाइनली आज मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत रट्टा है मेरा दिमाग ना, बहुत ख़राब हो गया रट रट के, बट फिर भी अभी बहुत कुछ भी रटा नहीं हुआ, तो बकचोदी यही है गाइस। एंड फाइनली आज का डेट है मेरे पास, कल तो सुबह 8, 8:30 बजे घर से निकल जाना है और सेंटर जाके पेपर देना है। बट SST मुझे आगे आर्ट्स लेना है, हाँ हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा दिमाग घुटनों में है इसलिए नहीं हम आर्ट्स लेते, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए आर्ट्स नहीं लेते, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। हाँ, हम आर्ट्स बिल्कुल इसलिए नहीं लेते कि हमें साइंस SST या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल किसी और सब्जेक्ट को हमें ना हो तो हमें क्या दिक्कत हो सके, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। हम इसलिए नहीं लेते कि हमारे परसेंटेज 10-20 नंबर आए, ऑफकोर्स 10-20 नंबर वाले तो फेल हो जाते हैं, मतलब 45 आए, अच्छे आएंगे और आएंगे, मतलब आएंगे जो भी आएंगे सबको आ जाएंगे। तो फाइनली गाइस, आर्ट्स में इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं लॉ की एग्ज़ाम करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरा करियर मैंने क्या डिसाइड किया, गेमिंग तो परमानेंट है, कभी बंद नहीं होगा, चाहे कितनी भी पढ़ाई हो, कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल मुश्किल नहीं चीज़ पढ़ाई, मुश्किल पढ़ाई से बड़ा कोई मुश्किल चीज़ है
नहीं, पढ़ाई बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। तो फाइनल देखो गाइस, आज मैं पक्का, मैंने फिर से एक गलती कर दी। मैंने सुबह अलार्म लगाया था 4 बजे 5 बजे का, बट मैं सुबह उठा ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद फाइनली आज मैं उस टाइम से रट ही रहा था, 3 साढ़े 3 बजे तक, दोपहर से मतलब 5-10 मिनट आधा घंटा रेस्ट ले रहा था, फिर लट रहा था, फिर रट रहा था, मतलब रटते रटते मेरा मुँह दुख गया था। मतलब बोल, मेरे को ना हमेशा बकचोदी कर करके पढ़ने की आदत है, चिल्ला चिल्ला के, तो उससे मेरा जुबान ना दर्द होने लग गया था, मतलब पूरा ये। और जैसे मैं तुम्हें अभी बकचोदी कर रहा हूँ तो फिर भी मेरा दर्द ही हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है जो दर्द होना चाहिए। तो फाइनली गाइस, जिस मेरे भाई ने, ऑफकोर्स मेरे भाई, मतलब वो मेरे भाई ही लगेंगे, ऑफकोर्स भैया है तो हम भाई ब्रो सब चलता है, तो ट्यूशन वाले भैया ने टाइमिंग बुला रखा था 1 से 3 बजे तक। और मुझे पता था कि मैं ट्यूशन में जाऊंगी तो कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि कुछ पढ़ाई होती ही नहीं है ट्यूशन में बकचोदी के अलावा। और आज भैया ने 8 से 9 बुला रखे, तो उस समय भी नहीं जाना, क्योंकि 1 घंटा मैं वहाँ जाकर बर्बाद करूँगी, उससे अच्छा मैं यहाँ पढ़ लूँगी। तो इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी आज, SST पढ़ना है। मैथ्स 3 दिन बचा है फिर भी उसको करने में भाई, पर SST मुझे लेना है, मुझे मैथ्स से। और मुझे परसेंटेज तो देखो, SST में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 95+ नंबर लाना है, और मैं ला सकता हूँ। मैप मुझे 1-2 बार समझना पड़ेगा, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी सैम्पल पेपर सर्च करेंगे और मैप सर्च करेंगे। तो फाइनली गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या ही बोले, तुमने सबसे बड़ा एक्सीडेंट कर रखा है मेरे दिलों पे। तो मैंने एक फ़ोन निकाला जो कि मेरे पास पुराना ओल्ड फ़ोन है, फिर मैंने उसमें चिट कोड डायल किया 555, एंड उसे 5 5 5 डायल करते ही मेरे पास मेरा पुराना बाइक आ गया था, मेरे को फेवरेट था मेरा गोस्ट राइडर बाइक, पर पता नहीं उसने मुझे त्याग दिया, लगता है उसको किसी और से प्यार हो गया है इस बाइक को, इसलिए तो उसने मेरे पर नहीं बैठ पाया। फिर फाइनली गाइस, मैंने एक और चिट कोड डायल किया, एंड वो नंबर तुम्हें दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे गाइस, 300 and 000 है। उसको करते ही हमारे पास कुआसाकी, हाँ कुआसाकी एक नामक बाइक आ गई, जो कि बहुत लुप्त है, मैं अपने मन से कहने बता रहा हूँ, लुप्त नहीं है। फिर फाइनली एक और मैंने चिट कोड डायल किया, एंड उसे डायल करते टार्जन, अजय देवगन वाली मूवी याद है ना टार्जन, वही वाली मूवी, मतलब मूवी का कार आ गया मेरे पास। तो गाइस तुम्हें दिख ही रहा है पर्पल कलर, एक्चुअली पर्पल कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो क्या ही बोले तुमको। तो फाइनली मैं ट्यूशन नहीं गया था, एंड गाइस मैंने पढ़ा अभी तक, और मैं अभी बकचोदी कर रहा हूँ, तुम्हें बता ही रहा हूँ। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ गाइस, मैंने तुम्हें बता रखा था आज ही, मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला है कि मेरा फ्रेंड था एन और टी, जिनकी लड़ाई हुई थी, वो एन बंदा था ऑफकोर्स, किसी से किसी को लाइक करता था, थी, समझ जाओ ना, अब मैं क्या बोलूँ तुमको। तो क्या हुआ ना गाइस, कि उसकी फैमिली घर में कितने दिनों से हंगामा हुआ था इसी बात पे, बात वगैरह सब कुछ छिड़ चुका था मेरे बंदे, मतलब मेरे बंदा नहीं, मेरे फ्रेंड के घर पे। तो क्या हुआ था कि आज उसने मैसेज किया मेरे, उस मेरे एन ने, फ्रेंड ने, कि ना कल मम्मी सेंटर के बाद उस लड़की से मिलेंगी शादी के लिए, समझ रहे हो। तो भाई शादी के बाद करने के लिए, तो मैं शॉक्ड, वो खुला का खुला, क्या ये मैं सच सुन रहा हूँ, मतलब मैं उससे ज़्यादा शायद मैं खुश था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, पर शायद जो मेरा फ्रेंड है उसका बंदी है गाइस, वो ना हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती, मतलब हमसे बहुत शर्माती है, बट मेरे फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करती है गाइस। तो अब देखते हैं, मैंने फिर उसकी बंदी के पास मैसेज किया कि क्या ये सच है जो एन बोल रहा था कि तुम आंटी से मिल रहे हो, आंटी वंटी सब मिल रहे हैं, बात बात रिश्ते विश्ते के लिए। तो कह रहा था हाँ। फिर मैंने बोला जब तुम हमारे सामने कुछ नहीं बोल पाते तो आंटी के सामने क्या बोलोगी, मतलब। तो उसने बोला पता नहीं। मैंने बोला कि सबको डर तो लगता है भाई, दुनिया का एग्ज़ाम से भी बड़ा डर, हाँ मैंने सॉरी बोला था ना कि एग्ज़ाम से बड़ा डर कुछ नहीं होता, या एग्ज़ाम से ख़तरनाक चीज़ नहीं होता, ये होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब एक दूसरे के घर पर जाना पड़ता है एक दूसरे के लिए, हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, अंकल आंटी से बात करना है, तो सबके पसीने यहाँ वहाँ सबसे निकलने लग जाते हो, तो तुम समझ सकते हो। अब मैं समझ सकता हूँ, बट मैं सिंगल हूँ फिर भी मैं समझ सकता हूँ। अब तुम कमेंट करके बताना क्या सिंगल लोग ऐसी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हाँ हाँ समझ सकते हैं। तो फाइनली गाइज, हाँ एक्चुअली मैं बता रहा था, तो एक और मैंने फ्रेंड को टी, जिसके साथ मैं ऑफकोर्स हमेशा जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, नहीं गाइस ओए ओ गलत समझ रहे हो, वो मेल है और मैं भी मेल हूँ, तो वो सब हम हरकतें होता ही नहीं हमारे ग्रुप में, एक्चुअली हम जाते हैं सेंटर। तो उसको मैंने मैसेज किया कि तूने सुना एंड क्या बोल रहा है, तो उसने बोला क्या बोला, मैंने बोला
भाई वो मतलब उसकी मम्मी और उसकी बंदी बंदी सब एक दूसरे से बात करेंगी शादी वादी के लिए, तो भाई वो कह रही है, फिर क्वेश्चन मार्क डाला, मैंने बोला है नहीं हाँ ये सच है, तो फिर शॉक्ड मैंने बोला कि अगर तुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैंने बोला कि मैंने उसकी बंदी और भाई अपने फ्रेंड से दोनों से बात किया तभी मैंने बोला तुझे कि वो रियल में ही कर मतलब मिल रहे हैं अंकल आंटी से बात करने के लिए, तो मैंने बोला कि अगर तुझे ट्रस्ट नहीं होता मेरी बातों पे तो तू जा भाई जा उससे दोनों से पूछ ले, तो उसने बोला ठीक है। बट गाइस फिर अन के पास मेरा और मैसेज करने लगा कि और बताओ बेबी जान, मतलब हम दोस्त हैं ना ऐसे कि हम बेबी जान सब बोलते रहते हैं, बाप है माँ है सब हम सब बात करते रहते हैं, तो उसने बोला और बताओ, मैंने बोला तू बता, मन में तो हजार लड्डू फूट रहे होंगे, बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं हाँ, मैंने बोला कि पार्टी कब मिलेगा, तो पहले तो उसने बोला था मैंने जब पहले लिख के भेजा था कि पार्टी कब मिलेगा, तो कह कह रहा था कल दे दूंगा सेंटर के बाहर, मतलब सेंटर के बाद छुट्टी से पहले या छुट्टी के बाद, फिर थोड़ी देर में जब उसने पूछा और बताओ तो मैंने पूछा पार्टी कब मिलेगा, तो कह रहे किस बात का पार्टी, फिर मैंने मजाक में बोल दिया कि तेरे और उसकी शादी तोड़ने की पार्टी में, तो कह रहे मैंने बोला हाँ, फिर मैंने बोला पार्टी कब मिलेगा, तो कह रहा है यार पैसे नहीं है, मैंने बोला तू पार्टी नहीं देगा तो हम अपनी होने वाली भाभी जी से पार्टी ले लेंगे, फिर उसने ऐसे एक इमोजी भेजी जो लड़की थी अपने सर पे हाथ मार रही थी मतलब अफसोस खा रही थी, फिर उसने बोला मैं दे दूंगा तू पार्टी से मत, मैंने बोला हमें तो पार्टी चाहिए तू दे चाहे वो दे हमें कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला ठीक है यार मैं ही पार्टी दे दूंगा, फिर उसने लिखा कि क्या खाओगे, फिर उसने खुद भी लिख के भेजा कि पिज्ज़ा, मैंने बोला हमें कुछ भी खाने के लिए चलेगा बट वो खाने वाली चीज़ होनी चाहिए, उसने बोला ठीक है, फिर मुझे और कुछ, मैंने बोला नहीं और कुछ तो नहीं बट तेरे पास ज़्यादा पैसे हो रहे तो तू पिज़्ज़ा के अलावा भी बहुत कुछ खिला सकता है हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर उसने पर मैंने फिर भी उसके आगे भी लिखा कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है कि उस वक्त उसका कम आया मैसेज हाँ कि पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, तो मैंने क्या बोला कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, तो आज यही बकचोदी की है गाइस। एंड देखो हम तीन चार लोगों के अलावा ना ऑनलाइन कभी कोई नहीं मिलता, मैं हमेशा ऑनलाइन आता हूँ, या तो एन आता है या तो टी आता है या तो एक और टी जो एन टी बेस्ट फ्रेंड है वो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम तीनों के अलावा ऑनलाइन कभी कोई नहीं दिखेगा, तो गाइस प्लीज़ इस बार दुआएं देना, और इस पर लाइक्स तो नहीं बट व्यूज़ के हम टारगेट रखेंगे कि 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आए, प्लीज़ गाइस मेरे जल्दी इस चैनल को मोनेटाइज करवाना। तो फाइनली गाइस देख सकते हो कि तुम मैंने फौजी वाला ड्रेस पहना है, एंड भाई फौजी रिस्पेक्ट दो क्या यार, मेरा ना ज़िंदगी ख़राब नहीं हो रहा, अंबानी की ज़िंदगी देख रहा हूँ 1000 करोड़ खर्च किया है, मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, और उसकी कमाई का 1% भी नहीं है भाई, यहाँ पे देखो 9-5 लाख खर्च करने में माँ बहन सब चली जाती है, लोगों की क्या ही बोले लोगों लोग की बात है, तो एक्चुअली मेरे इधर बड़ी मम्मी के बेटे की शादी थी तो ऑफकोर्स हमसे उनकी लड़ाई हो रखी है, बट उन्होंने हमें बुलाया नहीं तो हम गए भी नहीं, ऑफकोर्स हमारे घर के आस पास ही घर में ही हो रही थी तो हम गाँव में नहीं गए, और हम बुलाते तो भी हम नहीं जाते, बिकॉज क्यों नहीं जाते क्योंकि हमारा महान 28 तारीख पेपर चल रहा था, वो भी बोर्ड प्री बोर्ड चलता तो एक बात होता है, मिड टर्म भी चलता तो छोड़ के भी चले जाते, बट बोर्ड बोर्ड को छोड़ देंगे तो बोर्ड हमको छोड़ देगा। एंड गाइस पता नहीं मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मैसेज आया कि एक लड़के को 100 में से 150 नंबर मिला, और वो बंदा इतना शॉक्ड हो गया कि कोमा में चला गया, और जब भाई बहुत डॉक्टर को बुलाया गया कि जब उसको 100 में से 150 नंबर बोर्ड में मिल कैसे गए, जब वो कोमा गया तो उसके डॉक्टर को बुलाया गया तो वो नॉर्मल कोमा होगा कि उठ गया पानाली ठीक ठाक नहीं मत उठता है, जब फिर न्यूज़ आया कि 100 में से 150 आने के बाद भी वो बंदा फेल हो गया फिर दोबारा कोमा में चला गया, ये ना रियल न्यूज़ है, मैंने खुद रियल तो नहीं बोल सकता बट पक्का ये रियल ही न्यूज़ होगा, हाँ रियल ही होगा, मैंने खुद इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स ये सुना है। एंड गाइस तुम्हें पता है क्या कि इंस्टाग्राम फेसबुक रात को आधे आधा से ज़्यादा मतलब आधे घंटे से ज़्यादा यानी लगभग 1 घंटा से ज़्यादा अब उसको लोग सर्वर डाउन कह रहे हैं या हैक कह रहे हैं, और जिस बंदे ने फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों को साथ में हैक किया है वो तो महान है, मतलब भाई उस इंसान को अपने पे कितने पे प्राउड फील होगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है इंस्टाग्राम फेसबुक उसको उसने 1 घंटे के लिए लगभग हैक करके रख दिया, मतलब लॉग आउट ही नहीं हो पा रहा था, मतलब लॉगिंग ही नहीं हो रहा था, समझ रहे हो ना, तो बंदा कहाँ मिलेगा, मैं उसको हैंडशेक बोलना चाहूँगा, इतना महान हैकर भाई तूने क्या मस्त प्लानिंग की थी, इसको वहाँ भी क्या गया था जो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक का ओनर है उसकी शादी में गया था ना, अंबानी की शादी में इंडिया आया था ना, उसके बाद ही मतलब सोच रहे होगे कि ये मौज कर रहे इधर तब तक इसकी मौज उड़ा देते हैं, तो मज़े हो गया गाइस। तो फाइनली ज़्यादा बकचोदी कर लिया, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कवर कर लिया, मतलब डिस्कवर नहीं बोलना चाहती थी, बकचोदी कर लिया,
तो अगर आई नो तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। एंड गाइस कमेंट में जो लिखना चाहोगे लिख दो, मेरे उस पागल फ्रेंड को बधाइयाँ दे दो, और कहीं कहीं पता लगे कल कि वो आई नहीं बात करने या आंटी ने मना ही कर दिया पता नहीं। तो फाइनली गाइस इस वीडियो को जिसको शेयर करना चाहो कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा, अगर किसी भी वीडियो में ऊपर से नीचे ना गिरूँ तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होता। तो फाइनली गाइस मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, फ़ोन चार्ज में लग रहा है, मैं चोरी कर रहा हूँ, चश्मा पहन रखा है, ये थंबनेल दिख रहा है ना, हाँ स्पाइडरमैन वाला थंबनेल। अगर इस थंबनेल का चिटकोड तुम लोगों को चाहिए तो मैं उपसी एडी मोहित सचिन फरीद फरहान और गेम के डेवलपर, हम लोग यही चाहते हैं कि कमेंट में जो मन चाहे वो लिख दो, तभी गेम्स के डेवलपर्स गेम्स के अंदर न्यू चेंजेस और न्यू चिटकोड लाएंगे। एंड स्पाइडरमैन किस किस को पसंद है कमेंट में करके बताना, और जो मेरी वीडियो को लाइक